नमस्कार दोस्तों, ये है एम्पियर की जील EX इलेक्ट्रिक स्कूटी लेटेस्ट मॉडल। आज हम बात करने वाले हैं इसके रिव्यू के बारे में, इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता का कितना है और माइलेज कितना देती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, आपको इस वीडियो में सारे बता दूंगा। सबसे पहले हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इसके वाइजर को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल इंडिकेटर मिल जाते हैं बल्ब के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो जल रहा है। और यहाँ पर जो लाइट है वो शो पीस है जो कि क्रोम फिनिश में दी गई है। और नीचे की साइड आपको जो है एम्पियर कंपनी का लोगो मिल जाता है। ठीक नीचे आपको जो है नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ। लाइट को ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखती है इसकी जो लाइट है। यहाँ पर आपको जो है LED के बल्ब मिल जाते हैं दोनों साइड में। यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प के अंदर नॉर्मल बल्ब मिलता है। साइड में आपको जो है ब्लैक फिनिश मिल जाती है इसके एप्रेंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है जील का लोगो मिल जाता है, ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगते हैं। इसके दूसरी साइड में भी आपको जो है जील का लोगो मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक का लोगो भी मिल जाता है। चलते हैं इसके फ्रंट व्हील की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक का मडगार्ड मिल जाता है जिसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे आपको जो है TBS कंपनी के 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर भी मिल जाते हैं। इसमें आपको 10 इंचेस के स्टील रिम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर आप फ्रंट या रियर की कोई भी ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। इसकी दूसरी साइड कुछ इस टाइप से दिखती है। इसमें आपको TBS के टायर मिलते हैं ट्यूबलेस। मैं बात करूँ इसके मीटर कंसोल को लेकर, तो इसमें आपको फुली डिजिटल टाइप का स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एम्पेयर की बैचिंग मिल जाती है। यहाँ आप इसके किलोमीटर पर आवर की स्पीड देख सकते हो। यहाँ आप इसको लो मोड और हाई मोड किस मोड में चला रहे हो ये देख सकते हो। यहाँ आप इसकी बैटरी की परसेंटेज देख सकते हो। यहाँ आप इसके किलोमीटर कितने चल चुकी है वो देख सकते हो। यहाँ आप इसकी बैटरी के बोल्ट देख सकते हो। यहाँ आप इसकी लेफ्ट एंड राइट एंड इंडिकेशन लाइट देख सकते हो। यहाँ पे आप इसकी रेडी की इंडिकेशन लाइट देख सकते हो, चलने के लिए तैयार है। यहाँ आप इसकी जो मेन हेडलाइट की स्विच इंडिकेशन लाइट देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लो बीम और हाई बीम का स्विच मिल जाता है। इसके नीचे आपको जो है लेफ्ट एंड और राइट एंड इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है हॉर्न का स्विच मिल जाता है। तो ये है हमारा ब्रेकिंग का लीवर, पिछली वाली ब्रेक का लीवर। यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ आप इससे प्रेस करने के बाद लॉक भी लगा सकते हो, ये आपका लीवर लॉक मिल जाता है। हैंडल बार के दूसरी साइड में यहाँ पे आपको जो है फ्रंट की ब्रेक का लीवर मिल जाता है। यहाँ ये आपका एक्सीलेटर हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है लो मोड और हाई मोड का बटन दे रखा है, स्विच दे रखा है। यहाँ पे आपको जो है सेल्फ का स्विच दे रखा है। अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये चलने के लिए रेडी हो जाती है। ये जो लाइट है वो ग्रीन वाली वो जल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मेन हेडलाइट का स्विच दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो लाइट जल गई है। तो अब हम इसकी स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी स्पीड को लो मोड में टेस्ट करके देखता हूं। तो मैंने लो मोड की बटन को ऑन कर दिया है। यहां पे आप देख सकते हो लो माने एक। तो अब मैं इसके एक्सीलेटर को पूरा दे देता हूं। तो इसकी जो स्पीड है वो कितना जाती है हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो पूरा एक्सीलेटर देने के बाद इसकी जो स्पीड है वो लगभग 27 किलोमीटर पर आवर की आई है। अब मैं इसकी स्पीड को जो है हाई मोड में टेस्ट करके देख लेता हूं। मैंने हाई मोड को ऑन कर दिया है। अब मैं इसका जो एक्सीलेटर है वो पूरा दे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहां पे आप इसकी स्पीड को देख सकते हो और इसके डिजिटल मीटर में तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको इसमें हाई मोड में देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम कर लेते हैं इसका बूट स्पेस ओपन। तो हमारा बूट स्पेस ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसमें आपको जो है एसेसरीज मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको दोस्तों इसके साइड मायरर मिलते हैं। अंदर दोस्तों आपको मिल जाता है एक एम्पेयर कंपनी की तरफ से लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर। इसका जो मॉडल है वो कुछ इस टाइप से आपको नज़र आता है। इसमें आपको 3 प्लग का पिन दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है पिन दिया गया है वो स्कूटी में लगाने को एक फर्स्ट एड किट मिलती है। इसके साथ ही आपको एक ऑनर मैनुअल किट मिल जाती है। यहाँ पे आपको एम्पेयर की तरफ से एक टूल किट भी मिल जाती है। तो ये है इसका बूट स्पेस का एरिया जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो, हेलमेट भी रख सकते हो, उसके अलावा आप थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हो इसके नीचे आपको जो प्लेट लगी हुई है इसके नीचे आपको एक लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है एम्पेयर कंपनी की तरफ से। ये प्लग को निकालूंगा, जैसा कि अगर मैं इसके प्लग को खींचता हूँ तो इसका जो प्लग है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से इसकी बैटरी को आसानी से उठाने के बाद
हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी बैटरी बाहर निकल के आ चुकी है, कुछ इस टाइप से दिख रही है। तो दोस्तों ये है लिथियम आयन की 60 वोल्ट की बैटरी, जो कि 4 से 5 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है, और एक बार चार्ज होने के बाद ये लगभग 85 से 90 किलोमीटर का बैकअप दे देती है किलोमीटर चलाने के लिए। इस बैटरी में आपको जो है एम्पेयर कंपनी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको आसानी से घर ले जाकर भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं इसके साइड प्रोफाइल को लेकर, तो इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145 mm है, थोड़ा सा कम है लेकिन सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे इसका जो लेग स्पेस एरिया है वो भी ठीक ठाक है, यहाँ पे आप एक सिलेंडर भी रख के ले जा सकते हो और ग्रॉसरी का सामान भी रख सकते हो, यहाँ पे आप एक पानी की बोतल भी रख सकते हो आसानी से, यहाँ पे आप अपना मोबाइल और पर्स भी रख सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा सामान लटकाने के लिए एक हुक भी दे रखा है, और यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, यहाँ पे आपको जो है लेदर की सीट दे रखी है, इसकी जो सीट की जो कुशनिंग है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और सिल्वर फिनिश के साथ इसका जो एक लंबा सा एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सामान कैरी करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक हुक दे रखा है पीछे की साइड में, और इसकी सीट पे आपको एम्पियर की वैचिंग मिल जाती है। इसके पीछे की साइड में आपको जो है कुछ इस टाइप से इसकी जो टेल लाइट दिखती है, इसके पीछे वाली टेल लाइट में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है, इसके इंडिकेटर में भी आपको दोनों साइड नॉर्मल बल्ब मिलते हैं, इसमें आपको जो है LED का ऑप्शन नहीं दिया गया है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, साइड में भी आपको जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, दोनों साइड में आप देख सकते हो। इसका जो मडगार्ड है वो कुछ इस टाइप से नज़र आता है। बात करें इसके पिछले वाले सस्पेंशन को लेकर, तो इसमें आपको स्प्रिंग वाले एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने वेट के हिसाब से। यहाँ पर आपको TVS कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 10 inches के आपको व्हील भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आप इसका जो व्हील है पीछे वाला देख सकते हो, इसी के अंदर आपको जो है 1200 वाट की इंडक्शन मोटर दी गई है, इसी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो असेंबल होती है। दूसरी साइड से भी आप इसकी जो मोटर है वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो, मैं इसके जो पहिए को घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस मोटर के ऊपर भी आपको जो है 3 साल की वारंटी मिलती है एम्पेयर कंपनी की तरफ से, यहाँ पे आपको जो है फुट रेस्ट भी मिल जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एडजस्टेबल। पीछे की तरफ से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है देखने में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग पॉइंट को लेकर, तो ये 5 से 6 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है आसानी से, और एक बार चार्ज होने के बाद ये स्कूटी आपको तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर का माइलेज आसानी से दे देती है फुली चार्ज हो जाने के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस कोलकाता के बारे में। दोस्तों इसका कोलकाता का ऑन रोड प्राइस है 84,000 सब्सिडी काटने के बाद। इस 84,000 में आपको 5 साल का इंश्योरेंस मिल जाता है, 3 साल की वारंटी मिल जाती है, अगर आप वारंटी को एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाएगी इसमें। इसके अंदर आपको लाइफ टाइम टैक्स मिल जाता है, लाइफ टाइम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये है न्यू DB एंटरप्राइजेज कोलकाता 28 का। तो दोस्तों शोरूम का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हो, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और शोरूम पर विजिट कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव आज ही ले सकते हो। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके सवाल का आपको जवाब ज़रूर दूंगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।